नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से। भोगनीपुर विधायक विनोद कुमार कटियार पर जल्लापुर सिकंदरा गांव निवासी एक पीड़ित परिवार ने जमीन कब्जा करने को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक के गुर्गे लगातार जमीन खाली करने को लेकर दबाव बना रहे हैं, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार कई महीनों से कानपुर देहात एसपी डीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री के यहां भी विधायक के खिलाफ शिकायत कर चुका है। लेकिन सत्ता की हनक कहा जाए या दबंगई, वही पीड़ित ने बताया कि जिले के एसपी ने खुद यह कहा कि विधायक तो गुंडा है, मैं क्या करूं, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार दहशत के साए में जिंदगी काट रहा है। जहां एक पीड़ित राठौर परिवार की जमीन पर भोगनीपुर विधायक विनोद कुमार कटियार के साथ साथ उनके गुर्गे लगातार जमीन खाली करने को लेकर पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दे रहे हैं। इसी तरह से पीड़ित परिवार ने कानपुर देहात डीएम एसपी के साथ साथ मुख्यमंत्री के यहां भी फरियाद की। इसके बावजूद सत्ता विधायक विनोद कटियार के ऊपर कार्रवाई न होने के कारण सत्ता की हनक में मदमस्त हाथी की चाल चलते हुए दबंग विधायक विनोद कुमार कटियार पीड़ित को लगातार धमकी देते हुए जमीन हथियाने का काम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार को दहशत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है। आपको बताते चले कि इसके पहले भी भोगनीपुर विधायक विनोद कुमार कटियार के ऊपर जमीन कब्जा को लेकर कई बार संगीन आरोप लग चुके हैं। क्या नाम है? सुभाषी लाल, जल्लापुर सिकंदरा तहसील। विधायक के गुंडे परेशान कर रहे हैं। 24 तारीख काम उठे रात को 1 बजे 12 बजे वहाँ मतलब गाड़ी खड़ी थी काली, तो हमने देखा फोटो वोटो बना रहे, तो हमने वहाँ जाकर हमने बच्चन के जगाओ, तब बच्चा सब दौड़े, तब जब तक मतलब थोड़ी देर बाद में गाड़ी वहाँ वापस हो गई। अब हमको जान मारने की खतरा है, पता नहीं कभी मार दें कब न मार दें। क्या नाम है? हमारा नाम माधुरी देवी नाम है। क्या समस्या हो गई? विधायक जी हमको परेशान कर रहे हैं, उनके गुंडे और उनके आदमी आ जाते हैं चार पहिया गाड़ी लेके। यहाँ हमारे ससुर साहब बाहर बाथरूम करने आए, तो वहाँ चार पहिया की गाड़ी खड़ी थी और एक आदमी आया, तलक ससुर साहब ने बुलाया कि यहाँ कोई आया, तलक हम लोग गए वहाँ, वहाँ तलक गाड़ी स्टार्ट करी, वो लोग चले गए, हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए, वो लोग भाग गए। कब घटना? क्या घटना क्या हुई, कब हुई घटना? ये 24 तारीख को 11-12 बजे। का दिक्कत है? हम यहीं रहे थे, बच्चे मार रहे थे, और मनकुर जो विनोद कटियार जो है वो बहुत हमको सताए है, और हमको रहने की बड़ी दिक्कत हो रही है। रात में गाड़ी लाते हैं, और गाड़ी लाते हैं तो फोटो तैयार थे, फोटो जगह तो माँ लड़का बाबा रात मारू कि का हो जाए, रात में का ना हो जाए। तो क्या कार्रवाई हुई इसकी अब तक? अब हुई सभा, और वही कह रहे हैं कि वही सही होता है नहीं, और हम तो घबराते हैं कि हमारे बच्चा का कर ले का नहीं कर ले, काम नहीं घबराहट और कर रही है कि गाड़ी लेके आने लगी दुआरे में। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या हो गया था मैटर यहाँ पे? जो विनोद कटियार है ना, तो वो आते हैं, उनके गुंडे लोग आते हैं, तो अभी परसों आए थे, तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, तो हमारे ससुर निकले पेशाब के लिए, तो हमारे ससुर ने कहा कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, तो बोले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो बनाते रहे, और वीडियो बनाते बनाते हम लोग जोले ससुर रामायण ने बुलाया, जो हम गए बाहर निकल गए, तो जोले भी चले गए गाड़ी 11-12 बजे आए थे। बताओ हमारे हमारे साथ कोई घटना हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है? राजू बाबू राठौर। कहाँ के रहने वाले? जल्लापुर सिकंदरा थाना राजपुर तहसील सिकंदरा कानपुर देहात। क्या समस्या हो गई? समस्या हमारी विनोद विधायक जी से है, वो हमारी जमीन बनी हुई बाउंड्री है, दुकानें हैं, और उसके बाद भी ये हमारे मकान पे दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं,
और माननीय SDM साहब ने इसको आकर्षक भी कर रखा है, फिर भी उस SDM साहब ने इसके हमारे मकान बने हुए पे उन्होंने कोरा बना दिया और SDM साहब ज़बरदस्ती ये कहते हैं कि गलत बना हुआ मकान है। अभी तक क्या कार्रवाई? हमने इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं, कभी CO साहब की इंक्वायरी आती है, कभी थाने से इंक्वायरी आती है, इसमें होता जाता कुछ नहीं है। रात को गाड़ी भी आती है, 24 तारीख को 11:30 बजे के लगभग एक काली गाड़ी आई, काली शीशे थे और हमारे आगे पोर्शन मकान का वीडियो बना रहे थे, हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। इसके उपरांत कोई भी अधिकारी, जिला लेवल का अधिकारी कोई सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमारे परिवार में कोई ना कोई मर जाएगा, क्या कर तब हमें न्याय मिलेगा। बट है विनोद विधायक जी ने हमारे बने हुए मकान और निवास भी कर रहे हैं, आकर्षक भूमि भी है, 1 बीघा है, 1 बीघे में करीब हमने 70,000 ईट लगा ली है। उन्होंने SDM और DM साहब को दबाव में लेके और सत्ता खुद विधायक होते नाते उन्होंने हमारे मकान होते तोड़ते हुए कब्जा करने की कोशिश कर रहे, कोरा भी बनवा लिया। इसमें हमने कई लोगों को, बड़े अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए 2 बार, लेकिन वो मिले नहीं। उनके जनता दरबार में जाते हैं, वो कहते बार बार यहाँ जाते हो क्या, यहाँ खीर पूरी बट रही है तो बताइए। और यहाँ के जिला लेवल के अधिकारी को सुनते नहीं हैं, वो कहते हैं कि DM साहब करेंगे। और हमने अभी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, उसमें से SDM माननीय तहसीलदार की इंक्वायरी आई तो उनसे हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि कमिश्नरी जाइए, यहाँ क्या होगा तो बताइए, न्याय हमें कहाँ मिलेगा। क्या रात में माननीय विधायक जी की गाड़ी भी 24 तारीख को आई 9-10 बजे के करीब, साहब वीडियो बना रही थी, और बताओ कोई हादसा हो जाएगा तो हम बाहर निकले तो ये मर जाना हो जाएगा, क्या होगा हमारे परिवार का, बच्चे बहुत भयभीत है, परिवार भी बहुत भयभीत है, और बताओ क्या करें साहब, हमें कोई न्याय नहीं दिला रहा है। हमारे इंडियन प्राइम न्यूज ने जब से TV पे या सोशल मीडिया पे ये चीज़ निकाली है तो तब से और ज़्यादा हमें इस बारे में धमकी मिल रही है कि हम तुम्हें ये करवा देंगे। उनके गुर्गे आते हैं, विधायक जी ने तो आप तक अपने आप नहीं आए हैं, लेकिन उनके गुर्गे हमें बार बार परेशान करते हैं। अभी CO साहब की इंक्वायरी था, CO भोगनीपुर की इंक्वायरी आई, उन्होंने बुलाया हमें, उन्हें हमने अवगत कराया कि आप SB साहब से, या वो भी कहते हैं कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए, क्या रात में कोई हादसा हो जाएगा तो क्या कुछ को कौन जिम्मेदार इसका होगा, हमें कौन, जब हम 2-4 मर जाएंगे क्या तभी हमें न्याय मिलेगा।